वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर जापान अमेरिका से बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था। तब जापान ने अमेरिका की शिप्स को डुबाने के लिए एक बिल्कुल अलग तरीका निकाला, क्योंकि उस टाइम पर मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। उन्होंने अपने ही पायलट्स को प्लेन के साथ में अमेरिका की शिप्स पर सुसाइड अटैक करवाना चालू कर दिया। ऐसे पायलट्स को कामिकाजे पायलट्स कहा जाता था। वे अपने पुराने हो रहे एयरक्राफ्ट्स में बहुत सारे बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव डाल करके ऐसे पायलट को प्लेन देते थे जो कि अनट्रेंड और नए थे। पायलट्स का केवल एक ही मिशन होता था कि उन्हें पूरे प्लेन को ले जाकर के किसी अमेरिकन शिप पर डाल देना है, और क्योंकि उस टाइम पर सीट इजेक्शन जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो पायलट्स भी साथ में मारे जाते थे। ऐसे जापान के ऑलमोस्ट 4000 कामिकाजे पायलट्स वॉर में मारे गए थे, जिन्होंने 30 से ज्यादा शिप्स को डुबा दिया। वैसे आप इन पायलट्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं।